इस वीडियो में आपको क्या दिखाई देता है? एक बेहद खूबसूरत लड़की, खूबसूरत भी ऐसी कि खुदा ने इसे इत्मीनान से तराशा हो। गोरा रंग, नैन नक्श ऐसे जिसे देखकर लगता है कि दक्षिण एशिया की सुंदरी हो, लेकिन कौन से देश की? क्या भारत की या श्रीलंका की? नहीं, नाम तो और भी देशों के गिनवा सकते हैं, लेकिन बिना उलझाए आपको सीधा जवाब देते हैं, ये मॉडल पाकिस्तान की है। वही पाकिस्तान जहां हिजाब अनिवार्य तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं वहां की महिलाओं को इतनी आजादी हो कि वो पाकिस्तान जहां महिलाओं को सर से पैर तक खुद को ढकना बेहद जरूरी है, वो पाकिस्तान जहां महिलाओं के कम कपड़े पहनने पर उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। आपको बता दें कि इस महिला की मॉडलिंग का विरोध हम कतई नहीं करते, लेकिन विरोध करते हैं पाकिस्तान के उन मौलानाओं की उस सक्रिय सोच का जो महिलाओं को सर से लेकर पैर तक ढके रहने का तुगलकी फरमान सुनाते हैं। ये उसी पाकिस्तान की है जो इस्लामिक मुल्कों की सरपरस्ती में रहता है, जहां इस महिला जितना बोल्ड होने पर तो शायद सजाए मौत ही दे दी जाती है। ईरान जैसे मुल्क जहां महसा अमीनी की जान इसलिए गई क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था, जिसके बाद ईरान की महिलाओं ने बुर्के से आजादी के लिए देश में ऐसा विरोध किया जो आज तक किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं देखा गया। सोचिए जरा, ये मॉडल उस पाकिस्तान की है जो भारत को लेकर ये कहता है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद के बाद पाकिस्तान और मुखर हो गया था और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता भी दिखाई दिया कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को अपनी मर्जी से हिजाब पहनने की आजादी भी नहीं है, और जब पाकिस्तान ऐसे फैशन शो कराता है तो कहां चला जाता है वो हिजाब जो मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी आबरू है। साथ ही एक सवाल AMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी से भी है, जो इस्लाम, बुरखे और मुस्लिम महिलाओं पर हजारों बार ज्ञान दे चुके हैं। क्या बैरिस्टर ओवैसी पूछेंगे कि इस मुस्लिम महिला का हिजाब कहाँ है? शायद नहीं। अब आप क्या कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।